At this point, how Indian court is supporting LGBT पुलिस ने आपके सीपी के सेंट्रल पार्क से लोगों को उठाना शुरू कर दिया है कपल्स को उठा के ले जा रहे हैं जो गे कपल्स उनको लग रहे हैं तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप ये जो चीज कर रहे हैं मैं खुद डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आपका बैन करवा सकता हूँ और आपको खुद को ये पता होना चाहिए वो इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है हेलो एवरीवन uh, मेरा सवाल इन पर्टिकुलर राघवी जी से कि क्योंकि आप सुप्रीम एंड हाई कोर्ट में एज अ लॉयर वर्क करती हैं तो आपके अकॉर्डिंग कम्युनिटी कैसे इवॉल्व कर रही है लाइक like, अगर इन टर्म्स अगर हम बात करें जैसे प्रतिभा जी ने बताया था इसमें कि एज अ लेबल मिल जाता है कम्युनिटी को कि आप ऐसे इन पर्टिकुलर कपड़े पहनिए आप ऐसे बिहेव करिए तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या है इन्वॉलमेंट या फिर उस वो इवॉल्व कैसे कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो भारत में हमारा संविधान है उसके हिसाब से हमारे अधिकार हैं अधिकारों का एक दायरा बना दिया गया है बट क्या वो दायरा एक्सपैंड हो सकता है दैट इज़ वॉट सुप्रीम कोर्ट हैज़ थ्रू सेवरल जजमेंट्स आंसर्ड एज येस कि जो संविधान होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है और ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है मतलब संविधान एक समय में बना था उस समय उस आ, समय की परिस्थितियों को उस समय की ज़रूरतों को उस समय समाज में क्या क्या चीज़ें थीं उनको लेके बना था बट क्या वो संविधान सौ साल बाद दो सौ साल बाद उसी तरह से स्थिर एक जगह पे रह सकता है या उसको एक्सपैंड इवॉल्व करना पड़ेगा तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं स्पेशली फैमिली लॉ के एरेना में या तो वी रियलाइज़ कि सुप्रीम कोर्ट हैज एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कि हम उस संविधान में और भी जो अधिकार जो पहले नहीं मिले हुए थे उनको ढूंढेंगे। तो आ, जैसे अभी हाल ही में उन्होंने बोला कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट या पहले राइट टू हेल्थ राइट टू लाइवलीहुड ये सारे जो अधिकार हैं वो धीमे धीमे इवॉल्व होते हुए आए हैं बट अगर अब हम बात करें क्वेयर राइट्स की ठीक है या एल जी बी टी क्यू आई ए प्लस राइट्स और उनके अधिकारों के बारे में तो यू सी दैट सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट्स ऑल्सो उनका अप्रोच चेंज होता रहा है बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए अब आ, भारत में बहुत लंबे समय तक इन सारी चीज़ों की बात नहीं हुई थ्री आ, सेवन सेवन था जिसकी वजह से आप जेल जा सकते थे आ, आ, बहुत सारे गे एन बहुत सारे ट्रांस लोगों को पुलिस परेशान करती थी उनको जेल में डाल देती थी ये बहुत समय तक चलता है या फिर हम देखते हैं कि 1990 में आ, थोड़ा सा एक उथल पुथल सी हो रही है थोड़ा सा लोग एजिटेट हो रहे हैं क्यों क्योंकि पुलिस लोगों को उठा ले रही है पार्क से पुलिस जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि काम कर रहे थे एरिया सच एज प्रिवेंशन ऑफ एच आई या पीपल हु हैव पीपल लिविंग विद एच आई उनके लिए काम कर रहे थे उनको पुलिस एक उस नज़रिए से देखती थी कि यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी uh, का प्रिवलेंस है और उनको दबोच लेती थी तो फिर हम देखते हैं कि 1991, 92 में एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन करके एक ऑर्गेनाइजेशन वो आ, आ, प्रोटेस्ट हो रहा है आई में पुलिस स्टेशन के बाहर आ, उसके जो ए, -ए के आ, ए, ए के जो आ, लोग हैं वो पुलिस को अंदर नहीं आने दे रहे हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि एक तरह का प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं एक तरह की आ, हम दिखा रहे हैं अपना डिसअप्रूवल अपना डिसएग्रीमेंट, अपना डिसेंट तो उसके बाद हम आते हैं और थोड़ा सा आगे आ, पुलिस ने आपके सीपी के सेंट्रल पार्क से लोगों को उठाना शुरू कर दिया है कपल्स को उठा के ले जा रहे हैं जो गे कपल्स उनको लग रहे हैं फिर हम देखते हैं कि लखनऊ में भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं लखनऊ में उन्होंने एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया हुआ है जिसमें से मिस्टर जाफर वाज वन ऑफ द एक्टिविस्ट और वो केस एक्चुअली अभी तक चल रहा है वो केस आज तक खत्म हो ही नहीं पाया है तो द पीपल आर आउट दे आर नॉट इन प्रेजेंट बट दैट केस इज़ स्टिल गोइंग ऑन उसके बाद हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के बीच में एक कलेक्टिवली प्रोसेस uh, हो रही है चीज़ें कि अब क्या करना चाहिए वॉट इज The वे फॉरवर्ड और उस बीच में ए बी वी एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन जो संस्था है वो दिल्ली हाई कोर्ट पे पटिशन पे फाइल करती है हाउ एवर दैट पटिशन बिकम्स इनफ्लैक्चुअस मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आता है क्योंकि जो पार्ट ए बी वी है वो डिजोल्व हो जाती है और फिर कोई कोर्ट में जाके कुछ कहने के लिए कुछ एजिटेट करने के लिए बचता नहीं है तो वो डिजोल्व होता है बट इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है जहाँ से फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एज लॉयर कलेक्टिव वो साथ में आते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में पटिशन जाती है दिल्ली हाई कोर्ट में एंड जस्टिस एंड देन उस पटिशन को सुना जाता है और नास फाउंडेशन का जजमेंट आता है जिसमें वो बोलते हैं कि राइट देर इज राइट टू प्रिवेसी और आप किसी की सेक्शुअल ओरिएंटेशन को लेके उनके राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकते एंड दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड हु दे आर अट्रैक्टेड टू एंड दे ट्रेस वो सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बाद बहुत सारे जो एंटी गे वाली हाई कोर्ट में वो पटिशन फाइल करती हैं उस जजमेंट uh, के अगेंस्ट और सुरेश कौशल का वर्डिक्ट जो आता है वो ओवरटर्न कर देता है दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को ये कहते हुए कि ये लेजिस्लेचर का डोमेन है मतलब यहाँ पे कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगी और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो गलत था उसके बाद उसके अगेंस्ट फिर से रिव्यू जाता है और हमें इवेंचुअली 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्टिक मिलता है बट उसके बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ हो चुकी है जो कि है दो का नालसा जजमेंट जो कि चांस पर्सन को एज अ सिटीजन रिकग्नाइज करता है उनके राइट्स के बारे में बात करता है राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई विच मीन्स कि स्टेट आप नहीं बताओगे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है मैं अगर कह रही हूँ कि मैं पुरुष की तरह फील करती हूँ तो आप मानोगे मैं अगर कह रही हूँ आप मैं महिला की तरह फील करती हूँ तो आप मानोगे मुझे आपको कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है खैर वो चीज़ बाद में जब एक्ट बना ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट तो उसमें वो चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट की गई उसमें शुरुआत का जो ड्राफ्ट आया और जो शुरुआत का एक्ट आया उसमें चीज़ें थी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको एनालाइज़ करेगा इवेलुएशन होगा ये वो सारी चीज़ें जो कि उस जजमेंट के अगेंस्ट थी मगर हम देखते हैं कि वो चीज़ हो रही है उसी बीच बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड वन रियली नाइस थिंग्स आई थिंक सुप्रीम कोर्ट गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट बट दे आर अ लॉट ऑफ हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के जजमेंट जो इन सारे मुद्दों पे या इन सारे विषयों पे बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दे रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक जजमेंट है अरुण कुमार करके वर्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नॉट पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ दिस रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज और उनका जजमेंट आता है और वो बोलते हैं कि अगर एक ट्रांस वूमेन और एक मैन शादी कर रहा है तो दैट शादी इज रिक्नाइज और आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड दैट शादी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट तो वो एक रिकॉग्निशन मिलता है एंड आई थिंक जस्टिस वेंकटेश फिर और भी जजमेंट्स आते हैं जिनमें वो बात करते हैं कि इंटरसेक्स बच्चे अगर हैं तो उनके ऊपर आप सर्जरी नहीं करोगे तो वो जजमेंट्स आते हैं फिर बहुत सारे जजमेंट्स कपल को प्रोटेक्ट जो कपल्स हैं ट्रांस कपल्स गे कपल्स लेसबियन कपल्स उनको प्रोटेक्ट करते हुए बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं पुलिस uh, प्रोटेक्शन देते हुए बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं एंड फिर इवेंचुअली हम आते हैं uh, अभी जो मैरिज इक्वलिटी को लेके हुआ विच वॉज अगेन डिसपॉइंटमेंट बिकॉज दे कुड है लॉट बट इट डिड नॉट हैपन तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर रॉन्ग विदमेंट बट देख इन टू इट विल बिकम नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल टू मच लीगल आईव आई एव ऑलरेडी स्पोकिन अबाउट इट आईव ऑलरेडी रिटन अबाउट इट तो वो एक डिसपॉइंटमेंट की तरह आता है क्योंकि द थिंग एज कि सुप्रीम कोर्ट का जो बाकी सारी चीज़ें तो आप हटाइए अगर आप असमेंट करें कि सब ने क्या बोला है वो चीज़ हटाइए द थिंग कि आपने कहा कि स्टेट डिसाइड करेगा कि क्या कैसे होगा वो एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि पहले के जजमेंट्स में भी इवन इन दी नवदेत सिंह जौहर जजमेंट जस्टिस रोहिंटन नरिमान हैज़ एन्यूमरेटेड गाइडलाइंस की ये करना होगा स्टेट को ये करना होगा ये करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना होगा स्टेट गवर्नमेंट्स को ये करना होगा बट क्या आप देखते हैं वो सारी चीज़ें होते हुए नहीं क्या आप रेडियो पे या टेलीविजन पे या सरकारी चैनल्स पे या इवन अभी जो इलेक्शन कैम्पेन्स भी हुए उनमें आप देखते हैं कि वो क्वेर राइट्स मुद्दों की बात करें या बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप ट्रांस लोग जो हैं बिकॉज फॉर ट्रांस पीपल एक एडेड डिफिकल्टी होती है कि उनका तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनता है क्योंकि उनकी आईडी प्रूफ्स को ही लेके बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और फिर आप नहीं देखोगे कि कभी ऐसा हुआ कि रीच आउट प्रोग्राम हुआ और बोला गया कि हम ट्रांस लोग ट्रांस पर्सन को आइडेंटिफाई करके उनके लिए रजिस्ट्रेशन uh, या उनके लिए इलेक्शन वो तो उन सारी चीज़ों में जब आप देख रहे हो कि स्टेट का एक इस तरह का बर्ताव है एक इस तरह का ट्रीटमेंट uh, uh, मिल रहा है पीपल हु आइडेंटिफाई स्क्वायर उन लोगों को तो स्टेट के ऊपर भरोसा करना और ये कहना कि हम नहीं कर सकते हैं आप करिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे लगता है ये एक डिसअपॉइंटमेंट था और इन बीच में रोज के रोज डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कुछ ना कुछ अभी अलाहाबाद कोर्ट का एक जजमेंट आया आई थिंक कल या परसों ही आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अ ट्रांस कपल अ ट्रांस वूमेन एंड अ मैन व लिविंग टुगेदर तो उनको प्रोटेक्ट करते हुए एक वर्डिक्ट uh, 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 आया है लिव इन रिलेशनशिप्स को उन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट किया है सिक्योर किया है पुलिस प्रोटेक्शन दी है तो आई थिंक कि होती रहेंगी चीज़ें बट मुझे लगता है कि uh, सिर्फ कोर्ट से नहीं होंगी बहुत सारी चीजें सामाजिक लेवल पे होने लगेंगी और समाज का प्रेशर जो है वो सरकारों पे भी बन, बनाना पड़ेगा ताकि सरकार इस मुद्दे को सोचे कि हाँ ये भी इलेक्शन डिसाइड कर सकता है तो यार आई थिंक आई थिंक बहुत सारी चीजें समाज पे भी निर्भर करती है अगर बहुत सारे लोग एंटी uh, होने की जगह सपोर्ट करें तो शायद पूरी आवाम में जो चेंज लाने की जरूरत है वो शायद जल्द हो नहीं तो काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है बट हाँ अगर काफी सारे लोग एंटी नहीं होकर सपोर्टर के तरह खड़े हो तो शायद ये काम जल्दी होगा बहुत पहले जब लोग बाहर निकलते थे अपनी आइडेंटिटी को समझते थे शेयर करते थे फैमिली के साथ दोस्तों के साथ तो लोग उसको पागल या मानसिक तौर पर बीमार समझते थे कि ये नॉर्मल जिस पर हम बात कर रहे थे कि ये नॉर्मल है या नहीं है तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर्स के पास या यू नो झाड़ फूँक करवाने के लिए लेके जाते थे कि आत्मा चढ़ गई है कुछ कुछ साया चढ़ गया है या डॉक्टर्स लिटरली कन्वर्जन थेरेपी कराते थे जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे दवाइयाँ देते थे हॉर्मोन्स देते थे कि आपका बच्चा हम ठीक कर देंगे और बहुत फैमिलीज़ के बहुत पैसे होप इज्जत सब मिट्टी में मिली है जो एक एक्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में भी एल को रिकेगनाइज करते हुए बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया कि कन्वर्जन थेरेपी कोई भी डॉक्टर या चिकित्सा मानसिक चिकित्सालय में सकाइट्रिस्ट अगर करते हैं तो वो उनके लाइसेंस को खींच सकते हैं तो ये जो लोगों के अंदर धारणा है कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है हाय मेरा बच्चा ऐसे कैसे उससे मिल रहा था तो शायद हो गया तो चलो डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो ये जो सोच थी समाज को लेके वो चीज़ उन्होंने इनिशिएट कर दी और जो सबसे पहला सोर्स होता है वो डॉक्टर्स या झाड़फूक वाले ही रहते हैं

Uh, अगर uh, आपके दोस्त या पड़ोसी या किसी को भी ऐसा लगता है कि उनके माता पिता ज़बरदस्ती अपने बच्चों को uh, या दोस्त ज़बरदस्ती अपने दोस्त को ऐसा कुछ uh, सलाह दे रहा है कि uh, किसी बाबा के पास चले जाओ झाड़ फूक कर देगा तुम ठीक हो जाओगे या ये दवाई खा लो ये करने से तुम ठीक हो जाओगे ये कोई बीमारी नहीं है ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग है और शायद हम सबके पास है जस्ट दैट जितने जल्दी हम आइडेंटिफाई कर ले उतना अच्छा है इस पर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी एड ऑन करना चाहूँगा मैंने मेरे लास्ट जो स्टॉक्स के अंदर भी यही बोला था कि जब मैं खुद मेरी फैमिली के अंदर ओपन अप हुआ था तो मेरी खुद की जो फैमिली है वो लोग मुझे अलग अलग बाबाओं के पास में लेके गए सब ने अलग अलग पूजाएँ करी फिर जब उनका वहाँ से ट्रस्ट ख़त्म हो गया कि ठीक है हमारा बच्चा बाबाओं के पास में जाने से तो नॉर्मल नहीं बन रहा तो चलो ठीक है डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं तो फिर उन लोगों ने डॉक्टर्स का सहारा लेना शुरू कर दिया तो एक आ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ तो एक बार एक मेरे डॉक्टर के पास में लेके गए थे सर्जन था वो काफ़ी बड़ा सर्जन था जयपुर के अंदर तो फिर उसने मुझे कन्वर्जन थेरेपी उसने करना शुरू किया तो मैं उस टाइम पे मेरी उस चीज़ को लेकर मैं अवेयर था तो मैंने डॉक्टर को बोला कि आप ये जो चीज़ कर रहे हैं मैं खुद डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं आपका बैन करवा सकता हूँ और आपको खुद को यह पता होना चाहिए कि कन्वर्जन थेरेपी जो है वो इंडिया के अंदर बैन हो चुकी है और आप मुझे जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और आपको भी पता ये कोई जो है बीमारी नहीं है जैसा कि मैंने मेरे लास्ट जो स्टॉक्स के अंदर बताया था तब उस डॉक्टर को लगा होगा कि अच्छा इन्हें तो अपने जो अधिकार हैं जो लॉज हैं इनके बारे में पता है तो इसीलिए जितने भी जो लोग हैं कम्युनिटी के उन सभी लोगों को अपने जो लॉज़ हैं जो कानून हैं उनके बारे में पता होना चाहिए पता होने से आप खुद के साथ में प्लस दूसरों के साथ में गलत होने से रोक सकते हैं हाय मेरा नाम आकृति है uh, राघव जी आपसे ये सवाल है ऑल दो एल कम्युनिटी के बारे में बहुत लोगों के बारे में uh, जानकारी है uh, लेकिन परिवार के लेवल पे एक एक्सेप्टेंस की कमी है आपका क्या अनुभव है और आपको क्या लगता है कि किस तरीके से परिवार को uh, अपने बारे में हम शेयर कर सके ताकि एक uh, एक सहयोग का माहौल बना रहे ना कि एक घृणा का माहौल रहे बहुत ही सही सवाल पूछा आपने देखिए मैं मैं सब बोलूँगा कि मेरे अलावा काफ़ी सारे लोग इस एज में हम ट्वेंटी सिक्स वरना काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्रह अठारह उन्नीस बीस की उम्र में घर में ओपन अप होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स को उनकी हरकतों से या फिर स्कूल के थ्रू फ्रेंड्स के थ्रू पता लग जाता है फिर क्या होता है कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं तो वो मारना पीटना शुरू करते हैं उनको बाबा जी के पास में डॉक्टर्स के पास में ले जाना शुरू करते हैं तो एक्सेप्टेंस का मैं देखिए यही बोलूँगा कि हो सकता है कभी किसी के पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हों तो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ठीक है हमारा बच्चा ये है तो चलिए ठीक है आओ हमें गले मिलते हैं चलो ठीक है साथ में रहते हैं साथ में खाते पीते हैं और कभी कभी ये होता है कि किसी के पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो उनके वो नहीं सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को मैं और भी ऐसे बोलूँगा कि ये जनरेशन गैप है जनरेशन गैप को अपन लोग जो है कम्युनिकेशन के थ्रू कम कर सकते हैं लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है मैं खुद मेरे घर के अंदर मुझे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे घर के अंदर ओपन अप हुए ऑलमोस्ट दो से तीन साल हो चुके हैं लेकिन स्टिल मुझे भी वो जो एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए वो एक्सेप्टेंस मेरे लिए अभी तक आई नहीं है मैं आज जोश स्टॉक के मंच पर बैठ के आप लोगों के लिए आवाज़ उठा सकता हूँ लेकिन एट दैट सेम टाइम मैं मेरे ही घर में मेरे लिए आवाज़ नहीं उठा सकता जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो चेंज होता है वो सोसाइटी में अच्छा लगता है घर के अंदर अच्छा नहीं लगता अच्छा किसी दूसरे का बेटा गे है लेस्बियन है तो अच्छा हम उसको सपोर्ट करेंगे एट द सेम टाइम अगर हमारा बच्चा गे निकल आता है तो नहीं नहीं तुम डॉक्टर के पास में चलो तुम बाबा जी के पास में चलो नहीं नहीं तुम शादी करो नहीं सोसाइटी के लिए शादी कर लो एक एक ढांचा है ना सोसाइटी का कि अच्छा हमारा बच्चा है शादी करेगा फिर इसके बच्चे होंगे हम उनको खिलाएंगे फिर हम लोग जो है वैष्णो देवी जाएंगे यूजली ये होता है जबकि अगर मान लीजिए उनका बच्चा एज अ गेक आउट होता है तो उनके जो सारा जो सोसाइटी का जो ढांचा होता है वो टूट जाता है जो एक सोसाइटिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा स्ट्रक्चर टूट जाता है फिर उन लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है अब हमारा बच्चा जो है इसके बेटा बेटी नहीं होंगी इसकी जो हमारी जो सोसाइटी की जो इमेज है वो इमेज खराब हो जाएगी तो एक्सेप्टेंस के मामले में मैं यही बोलूँगा कि हो सकता है एक्सेप्टेंस कभी आपको एक से मेरे को खुद को मेरे को मेरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने में 26 साल लग गए थे तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एक रात के अंदर दो रात के अंदर दो महीने में तीन महीने में एक्सेप्ट कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता आप खुद को टाइम दीजिए अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए हमारी जनरेशन अलग है अपने पेरेंट्स की जनरेशन टोटली अलग है वर्तमान समय के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है इस चीज़ को लेके लेकिन आप वो समय भी देखिए जब अपने पेरेंट्स जो थे उस वक्त के अंदर इस चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं थी कानून नहीं था इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं होती थी तो उन जिस चीज़ के बारे में उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं वही चीज़ अगर उन, अगर उनके घर में हो जाए तो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए एक्सेप्ट करने के लिए कि वो आपको एक्सेप्ट करें और आप स्वयं को टाइम दीजिए कि आप खुद को एक्सेप्ट करें मैं यही बोलना चाहूँगा अगर आप दोनों में से किसी का अगर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो तो प्लीज एड ऑन कीजिए सो मुझे लगता है कि जो फैमिली के सामने अपने आप को कम आउट करना या अपने जिंदगी के एक बहुत ही एक प्राइवेट चीज़ को शेयर करना जो कि आपका और आपके अभिभावकों का आपके पेरेंट्स के साथ आपका एक रिश्ता बदल सकता है तो मुझे लगता है कि उसके लिए कई लोग प्रेफर uh, करते हैं अ ग्रेजुअल प्रोसेस आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई नो अ लॉट ऑफ़ फ्रेंड्स आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो कि ऐसा करते हैं कि दिल स्टार्ट विथ समथिंग रियली बेसिक दिल स्टार्ट विथ शोइंगेम सत्यमेव जयते का कोई एपिसोड और दिल और दिल स्टार्ट विद समूवी और सम स्टोरीज या कोई यूट्यूब या कोई जोश टॉक हो सकता है और उससे एक बार आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पेरेंट्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है और आपके पेरेंट्स का उस चीज़ को लेके उस पर्टिकुलर टॉपिक उस मुद्दे को लेके किस तरह का सोच है किस तरह का रिएक्शन हो सकता है तो एक वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है और फिर मुझे लगता है कि सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए अगर आपको पता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपकी जान को या जिससे आप की फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ को ख़तरा हो सकता है तो मुझे लगता है बहुत कॉन्शियसली ये सारे डिसीजन लेने चाहिए क्योंकि ये टू कम आउट और ये जो कमिंग आउट का प्रोसेस होता है ये एक ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड बना हुआ या कोई एक बेंच है या वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम कोई हो सकता है तो आपको बहुत इसको टेलर में तरीके से देखना पड़ेगा अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कस्टमाइज़ करना पड़ेगा और मेरा मानना है कि कमिंग आउट का जो प्रेशर है वो बाहर से नहीं आना चाहिए इंसान को अपनी खुद की सुविधा देखते हुए वो चीज़ करनी चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उस सिचुएशन में ना हो कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अबैंडन कर दें तो आपके पास कोई जरिया ही ना बचे अपने आप को सस्टेन कर पाने का तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स उन और कंसिडरेशन्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि क्या होगा या कैसे आप उसको एमिलियोरेट कर, कर सकते हैं या कैसे आप उसको थोड़ा एक क्वेश्चन अपने लिए रख सकते हैं कि कुछ हुआ तो आप क्या करेंगे क्योंकि यू नेवर नो इट्स अनप्रिडिक्टेबल इट्स अनप्रडिक्टेबल टू एन एक्सटेंड कि आपको लगेगा आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कर लेंगे और आपको लगेगा कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे मगर नहीं करेंगे तो आई yeah, थिंक मेरे केस में यही हुआ था मैं काफी देर काफी दिनों तक या काफी सालों तक अपने पिताजी से बहुत डरते थे और ये सोचते थे कि मैंने बता दिया तो क्या होगा एंड शायद उसी डर में मैंने शादी कर ली फिर शादी से बाहर आ गए और फिर उसके बाद फिर शादी करने का प्रस्ताव आया और मैंने कहा ठीक है शादी कर लूँगी बट इस बार लड़की से करूँगी और पिताजी ने बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन दिया जिसको देख कर जिसको सुनकर मैं डर गई उन्होंने बोला जब तक तुम्हारे पास कंपेनियन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़का हो या लड़की हो और मैंने सोचा मैंने इतने साल आपसे छुपाया ये बोलकर कि यू नो मुझे ये पसंद है पर आप तो काफ़ी कूल निकले एज़ कम्पेयर टू यू नो बाकी पेरेंट्स बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ बाप को भी आई थिंक ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा टाइम वक्त, वक्त चाहिए और मैं तो ये भी बोलूंगी कि अगर नहीं भी समझते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं तो उतना काफी होना चाहिए हेलो एवरीवन मेरा नाम प्रणय है और मेरा आप सभी से एक सवाल है ये सवाल थोड़ा ट्रिगर कर सकता है आपको तो सॉरी उसके लिए पहले बट ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस था वो एल जी पी की बहुत रिस्पेक्ट करता था वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो एक होंगे अंकल होंगे थर्टी फोर्टी ईयर्स के तो उन, उन उन, अंकल ने उसे सेक्शुल हैरस करने की कोशिश की उसके ऐसे थाइस पे हाथ रख दिया है ना और थ, हाथ थोड़ा थोड़ा गलत जगह जाने लगा तो वो बहुत ज़्यादा लाइक डर गया उस चीज़ से है ना तो उसने मुझे बताया लेकिन उसका एक और एक्सपीरियंस हुआ जब वो सिग्नल में एक ट्रांस ने उसको ट्रांस को उसने पैसे नहीं दिए तो उसके ट्रांस गाली गलोस करने लगी उसने पैसे देने से मना किया तो गलत गलत बातें कहने लगी उसमें बदवा देने की बातें करने लगी वो उस चीज से बहुत ट्रामेटाइज हो गया तो ऐसी काफ़ी स्थितियाँ आती है जब आ, जो हैट्रोसे लोग हैं है ना तो कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसी गलत चीज़ें करते हैं उनके साथ तो उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी गिर जाती है कम्युनिटी के लिए तो ऐसी इन बातों पर आप तीनों का क्या टेक है चलो मैं शुरू करती हूँ पहली चीज़ तो जो अंकल जी थे उनका आई फील लाइक कि दिस इज स्टीरियो टाइपिंग कि आई वॉज और माए माई बॉडी वॉज वायलेटेड बाय अ मैन हु सीम लाइक अ गे मैन क्योंकि मैं भी जिसका जिसके साथ हो रहा है ये चीज़ विक्टिम भी एक मर्द है एक पुरुष है और इस वजह से ये कम्युनिटी ऐसी है मुझे लगता है कि ये एक गलत धारणा ही है क्योंकि वी सी एवरी डे कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं इवन बच्चों के साथ yes. और शायद यही चीज़ को लेके हमारे पास एक एक्ट है इज़ जेंडर न्यूट्रल ठीक है तो आप ये अब बहुत सारे आपको पुरुष मिलेंगे जिनके ऊपर आरोप लगता है किसी बच्ची या बच्चे के साथ कुछ भी गलत तरह से उनको छूने का तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सोच लोगे कि मेरा बच्चा है तो मैं उसको किसी बड़े एज के इंसान के पास जाने ही नहीं दूंगी ठीक है तो पहली तो मुझे लगता है इसका कोई बहुत डिटेल्ड आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है ये बहुत स्टीरियोटाइपे क्रिएट करने का वो है कि हाँ इस तरह के इंसान ने मेरे साथ किया था जिसकी वजह से सारे लोग ऐसे होंगे क्योंकि उनका एक तो सैंपल बहुत कम था छोटा सा सैम्पल है उनका एक इंसान का एक एक्सपीरियंस का तो वो ऐसा साइंटिफिकली भी अगर आप उसको देखो स्टैटिस्टिकली भी अगर आप उसको देखो तो भी वो नहीं इट्स इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस तो आप वो स्टीरियो टाइप कभी नहीं कर सकते हो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं बहुत सारे हेट्रोसेक्शुअल्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं दैट डज नॉट मीन कि आप कहोगे कि हेट्रोसेक्शुअल्स इसी तरह के होते हैं पहली चीज़ दूसरी चीज़ कमिंग बैक टू ट्रांस पर्सन एंड द वंस हु बैग ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स और कई बार एक्सपीरियंस uh, बहुत वेज आए हैं और दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ एक आई नो अ लॉट ऑफ ट्रांस वेमेन हु वर्क ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स एंड फॉर मी इट्स देयर वर्क ओनली क्योंकि आप उनको कहीं और काम दिलवा के दिखा दो नाउ दे आर वर्किंग उस जगह पे मांग रही हैं पैसे ठीक है एवरी डे एवरी अदर पर्सन के पास वो जाती हैं गाड़ी का शीशा नीचे आता है या वो अपनी बाइक और स्कूटी पे बैठा होता है उनसे गलत तरह की बात करता है या सेक्सुअल फेवर की बात करता है है ठीक नाउ वो चीज कभी डिस्कस नहीं नहीं होती है वो चीज़ कभी मुद्दा नहीं बनती है वो वो चीज़ चीज़ कभी कभी मुद्दा बनती ट्विटर पे ट्वीट नहीं हो रही होती है रेडिट पे डिस्कस नहीं हो रही होती है इंस्टाग्राम पर उसको लेके रील्स नहीं बन रही होती है क्यों क्योंकि इट्स बी नॉर्मलाइज्ड वो तो हो ही रहा होगा ठीक है बट एक ट्रांस पर्सन जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है जिसको हो सकता है उसके घर से निकाल दिया गया हो जिसके साथ रोज़ वायलेंस होती है पुलिस वाले वायलेंस करते हैं उसका पार्टनर हो सकता है वो वायलेंस करता है मेरी कोई ऐसी ट्रांस फ्रेंड नहीं है जिस जो किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में रही हो बिकॉज आई हैव वेरी लाइक आई हैव बीन गोइंग टू जिसको Uh, आप डेरा कहते हो मैं जब लखनऊ में भी थी तो आई यूज़ टू हैंग आउट विद पीपल फ्रॉम हिजरा एंड किन्नर कम्युनिटी कोई मुझे ऐसा नहीं मिलता था जो रिलेशनशिप में हो और उनके ऊपर इंटीमेट रिलेशनशिप में वायलेंस ना हुई हो या उनके शरीर पे कोई निशान ना हो एंड दैट निशान वेरीज़ फ्रॉम एक चोट का घाव टू सिगरेट के उसके निशान या जलने के निशान तो एक आप ऐसा इंसान जो वहाँ पे मांग रहा है और आप उसको मना कर रहे हो और वो गाली गलौच कर रहा है विच इज़ रॉन्ग ठीक है आप कंडेम कर सकते हो उस चीज़ को मगर आपको उसको बहुत एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा विच इज़ कि वो पर दैट पर्सन का बैकग्राउंड वो कहाँ से आता है वो बिटर्नेस का रीज़न क्या हो सकता है उस पर उस इंसान के साथ सामने वाले ने क्या बोला होगा जिसकी वजह से ये आया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल uh, रहा है दे सेट नो सामने वाला मना कर दिया किनारे हो गए मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैं आती हूँ स्पेशली जब आप सुप्रीम कोर्ट से आएंगे तो वो जो निज़ामुद्दीन वाले एरिया हैं वहां पे आपको यूल ट्रांस पीपल देर अब उनका और मेरे साथ जितनी देर हम लोग वहाँ खड़े होते हैं इट्स ऑलवेज अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन इवन दो आई नो अ लॉट ऑफ ट्रांसविमेन हु से कि भाई आई डोंट टॉक टू हिजरान किन्नर वेमेन मुझे बहुत डर लगता है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी डिफरेंट इट हैज़ ऑलवेज़ बीन ऑफ एक तरह का रिस्पेक्ट जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं लॉयर हूँ तो उनकी आंखें जिस तरह से चमक जाती हैं या मैं किस तरह से हूँ वो बोलेंगी कि कितनी सुंदर है तू ये है वो है ये नेल पेट कहाँ से लिया ये लिपस्टिक कहाँ से ली तो मुझे लगता है कि ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐसे आप एम्पलीफाई कर देते हो एक इंसिडेंट होता है उसको आप एम्पलीफाई कर देते हो और कहते हो कि नहीं सारे लोग ऐसे ही हैं ठीक है मुझे लगता है अगर सारे लोग ऐसे ही हो रहे होते तो जिस तरह की हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी है वो रोड पे उतर आते एंड दे वुड नॉट हैव लेट ट्रांस पीपल इवन बैग और वो होता है जब अभी जी ट्वेंटी समिट हो रही थी उनको आप भगा दे रहे थे ट्रैफिक सिग्नल से पुलिस स्टेशन तक लेके जा रहे थे तो ये बहुत वन साइडेड एक कॉन्वर्जेशन है और मुझे लगता है बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको लोगों ने एम्प्लीफाई किया है कि वो तो जबरदस्ती मांग रहे होते हैं जो इंसिडेंट अभी आपने बताया कि अंकल का उसको मैं ऐसे भी बोलूंगा उन अंकल के अंदर ये बोलूंगा लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस भी मैं बोलूंगा क्योंकि अंकल ने उन अंकल ने अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है कि अच्छा चलो उनमें अभी भी वो इस एज तक पहुंचने के बाद में भी फोर्टी फिफ्टी या सिक्सटी में पहुंचने के बाद में भी उनमें अभी तक वो डर है कि अगर मान लो मैं किसी को अप्रोच करूंगा या फिर मान लो मैं ओपन ओपनली अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूँ तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी और प्लस अंकल में अभी भी वो नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है कि अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को मैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ थ्रू डेटिंग एप्स मतलब अगर मैं डेटिंग ऐप्स का यूज़ करके मैं कैसे अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कैसे कर सकता हूँ और ज़्यादा कैसे लोगों से मिल सकता हूँ तो उनको अभी भी अंकल को वो तरीका नहीं पता कि मैं मेरे इंटरेस्ट को मेरी सेक्शुअलिटी को कैसे एक्सप्लोर करूँ थ्रू डेटिंग एप्स में एन कैसे कोई ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर कम्युनिटी में मैं और कैसे फ्रेंड्स बना सकता हूँ और कैसे जो मेरी सेक्शुअल साइड है मैं उसको और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो अंकल को लगता है कि अगर मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ अगर मुझे अगर ये लड़का अच्छा लगा तो मैं इस पर हिट ऑन करता हूँ और मैं इस जो

और आज की तारीख में अगर किसी लड़की के ख़िलाफ़ कुछ अब्यूज़ होता है ना तो दस लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि लड़की शायद चिल्ला देगी या सपोर्ट मांगेगी या कहेगी कि मुझे सपोर्ट चाहिए तो लोग जूता लेके मारने कूटने आ जाते तो कहीं पे वो जो डर है आदमियों में पब्लिक स्पेसेस में अब्यूज़ करने का थोड़ा सा आ, आया है लेकिन लड़कों के लिए अगर कोई अब्यूज़ करता है ना तो लोगों को पता है कि इसकी बात ना तो कोई सुनेगा ना कोई बोलेगा और वो शायद खुद ही नहीं बोलेगा कि एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है और इसीलिए अब जो बच्चे हैं लड़का जो छोटा बच्चा हो या यू नो अगर टीन आपके फ्रेंड थे या अडल्ट थे उनके लिए भी ना बोलना मुश्किल होगा या पुलिस स्टेशन में जाना मुश्किल होगा कि यार एक्स वाई जी ने मेरे साथ बदतमीजी की और इसीलिए वो एक सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं लड़की अगर कोई मेरे साथ छेड़ेगा तो मैं हो सकता है उसको बोलूँ कि तो पाँच लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको मारने के लिए लेकिन जहाँ पर भी किसी लड़के के लिए बात आती है ना तो जो विक्टम है वो खुद नहीं बात करते और जो पहले आई थिंक आपने बात की थी सेक्शन 377 को लेके पहले एक डर था कि ऐसा होगा तो क्रिमिनल एक्टिविटी ही इसको घोषित की जाएगी उसको समझना जरूरी है कि अगर नॉन कंसेंशुअली मेरे साथ सेक्स किया है आदमी ने या औरत ने वो क्रिमिनल एक्टिविटी है अब वो आप भी मेरे लिए करते हो एज हेट्रो पर्सन या आप करते हो अ गे पर्सन इक्वल क्योंकि ऐसे तो हम ये नहीं जानते कि उस इंसान का जेंडर या ओरिएंटेशन क्या था उस वक्त उसका जो लिबिडो uh, है या सेक्सुअल नीड थी वो इतनी आए थी कि उसको जो मिला अभी ट्रेन में तुम क्या चलाओगे जो उसको सॉफ्ट टारगेट मिला या उसको लगा ये तो थोड़ा नाजुक सा इसको तो ये तो और भी नहीं बोलेगा वेबल है तो करो आई वुड लाइक टू एडियर आई थिंक जो जो इंसान ये सोचता है कि कहीं पे भी बैठे हुए वो किसी का भी नाजायज़ फायदा उठा सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर इस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी आई थिंक ये मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट है आई थिंक ए दैट पर्सन इज मेंटली सिक उसको शायद अपने आप को इवेल्युएट करने की जरूरत है क्योंकि समाज में किसी भी तरीके का हेरासमेंट वेदर इट्स फिजिकल मेंटल आई थिंक नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए एंड uh, हाँ बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने दो मर्द को किस करते हुए देख लिया तो ओ माई गॉड ये क्या ये क्या चल रहा है बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके जहन में है कुड बी अ होमोफोबिक प्लेस जहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं करना है शायद ये चीज़ तुम्हारे जहन में भी है जहाँ पे तुम शायद इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते हो भाग रहे हो क्यों भाग रहे हो तुम्हारे लिए भी सवाल है तो मुझे ये लगता है कि हम यहाँ बैठ किसी का एक्सपीरियंस नहीं खराब कर रहे हैं या हम uh, ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे जिससे लोग देख डर जाए हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल है एंड आई थिंक जितने जल्दी समाज ये समझ जाए उतना अच्छा hi, hi Vijay, hi really that, uh, अभी चल रही थी गे डेटिंग एप्स की रही जैसे विजय ने हमें बताया था सो देर इज अ पर्सन इन माई नोन जो कि लेट्सट वो क्लाजेट के बाहर नहीं है ही इज रियली स्केर ऑफ थिंग्स वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए मिलने जाता है किसी डेटिंग ऐप के थ्रू किसी बंदे से एंड ही रियली थिंक दैट ही इज अ ट्रू पर्सन ही डोंट नो क्योंकि उसने अभी मिला नहीं है वो बंदे से सामने वाला बंदा बिल्कुल तैयारी में बैठा है कि ये बंदा आएगा इसका फोन लूंगा इसके पैसे लूंगा सब कुछ हड़पूँगा और इसको भेज दूंगा राइट सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उस बंदे ने उसके एक लाख रुपए भी ले लिया उसका फोन वाले फोन भी ले लिया उसकी गाड़ी की चाबी भी ले ली राइट right. और ये बंदा गया था उससे मिले विदाउट इंटेंशन कि ऐसा कुछ नहीं होगा बट दिस हैपेंड एट दिस पॉइंट हाउ इंडियन कोर्ट सपोर्टिंग द थिंग इज कि सबसे पहले तो खुद समझना कि आपकी सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या करना है ठीक है एंड टू अंडरस्टैंड दैट सेफ्टी फर्स्ट एंड यू रियली नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस तो uh, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पेशली डेटिंग एप्स लाइक ग्राइंडर वेयर यू हैव एब्सोल्युटली नो विद दिस दे इज एनोनिमिटी एनी वन कुड बी यूजिंग किसी का भी पिक्चर yeah. uh, कुछ भी वो अपने बारे में डा दा, डिटेल डाल सकते हैं और यू टॉक एंड दे बी रियली स्मूथ टॉकर और वो सारी चीज़ें हो सकती हैं बट आई नो पीपल हु वुड एंड अप

मुझे लगता है कि डेस्पिरेशन में ठीक है डेस्पिरेशन में नहीं कहूंगी वी ऑल वॉन्ट टू फील टच एंडच इज फाइन इज फाइन बट आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी कॉन्शियस कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंड हैविंग दिस माइंड सेट हैविंग द डेटिंग कल्चर वेर यू थिंक की ओ आई नीड टू शेयर माई नंबर और इफ़ आई आस्क यू अबाउट योर इफ आई आस्क यू फॉर वीडियो कॉल दैट इज़ नॉट ऑफेंसिव आई रीली वॉन्ट टू नो आई रीली वॉन्ट टू आइडेंटिफाई आई रीली वॉन्ट टू कन्फर्म दट दिस इज द पर्सन आई एम टॉकिंग टू बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि एक uh, ये हेट्रोसेक्सुअल सेटअप नहीं है डेटिंग ऐप्स का जहाँ पे आपको इवन फॉर देम ऑल्सो इट को बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन हु वॉज चीटेड किसी डेटिंग ऐप के थ्रू जस्ट इमेजिन गोइंग टू पुलिस स्टेशन एंड सिंह द फर्स्ट क्वेश्चन मतलब क्यों आप ये सब यूज़ कर रही थी? ठीक है तो इमेजिन नाउ कम टू अ ट्रांस पर्सन और अ गे पर्सन ठीक है और अ ट्रां एनी वन हु इज़ यूजिंग डेटिंग ऐप तो एक तो वो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ठीक है मे मतलब वेन आई वॉज यूजिंग डेटिंग एप्स इफ लाइक इफ इट कुड बी एनी डेटिंग ऐप लाइक बम्बल हिंज आई वुड मेक श्योर दैट आई सेंड एंटायर डिटेल ऑफ दैट पर्सन टू आ फ्रेंड कि अगर मैं ना आऊँ तो हाँ तो, तो या, इस इंसान को तुम्हें तो ढूंढना है ठीक है इवन इफ आई एम गोइंग फॉर लाइक समथिंग एज स्मॉल एज कॉफी ठीक है तो आई एल मेक श्योर क्योंकि मेरा एक वो होता था एंड इट स्टार्ट हैपनिंग इवन मोर जब से एस्ट्रोजन किक इन किया तो uh, वो सारी चीजें एक हैं दूसरी है कि इफ एवर इट हैपन्स टू यू कि आप से कुछ हुआ आप कहीं गए आपने किसी के ऊपर भरोसा कर लिया और या बहुत सारे सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं उसने कुछ भी तरह से करके आपको बहला फुसला लिया और फिर आप वहां पहुंचे और आपने देखा कि वहाँ चार पांच लोग हैं या आपको वहां पर जाके पता चला कि ये तो मुझसे सामान इनको लेना था चोरी करनी थी एक्सट्रॉशन करना था दैट इज वेन You feel like अब तो कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है कई बार दिल रिकॉर्ड यू कई बार दिल भी लाइक कि पेरेंट्स को बता देंगे घर पे आ, बोल देंगे एंड दैट इज अ पोजिशन वेयर यू आर लाइक कि हाँ ठीक है कार्ड ले लो मेरा इतने पैसे निकाल लो ये कर लो वो कर लो लेव विथ नथिंग नाउ इंडियन कोर्ट्स जो आप बोल रहे हो वो तो बाद की बात है क्रिमिनल मैटर्स में एवरी थिंग स्टार्ट फ्रॉम द पुलिस एंड दैट इज Something really basic, and what is not happening is that these police stations on these the police force is not being trained to handle these matters in a sensitive manner. And my, I personally feel that there should be a dedicated, I think, because I have worked with Delhi police so uh, and like workshop or in subme, so I know that their women wing does take trans women ke concerns but it's not that great and it's not uniform across the country so i think there has to be a dedicated force that deals with such matters uh, having people who are trained enough for example they could be therapists they could be people who are from the community rep representatives of the community and i think they need to be incorporated within the force सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि ओवर नाइट आप बस ट्रेनिंग करके दो दिन की किसी तीस चालीस पचास साल के पुलिस वाले या किसी कॉन्स्टेबल को बदल नहीं दोगे तो यू रियली नीड टू प्लेस पीपल हु हैव अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीज़ों को दे कुड बी कमिंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ कम्युनिटी वर्क एक तो वो चीज़ होती है सो so दैट अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो पुलिस स्टेशन जो है वो खुद एक अनसेफ जगह नहीं बन जाता है जो कई बार हमें लगता है कि एक तो हमारे साथ ये ट्रेजिडी हुई है दूसरी ट्रेजिडी पुलिस स्टेशन में हो सकती है विच हैज हैपेंड विद ट्रांस पीपल दे हैव बीन परेडेड नेकेड दे हैव बीन आस्क टू स्ट्रेप दे हैव बीन रेप्ड ऑल दीज इंसिडेंट्स हैव हैपेंड दीज इंसिडेंट्स हैव हैपेंड विद वेमेन ऑल्सो तो वो एक सिस्टम में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी Is like if you have all those But से पहले सबसे बेसिक चीज है कि वो एक कोर्ट लेवल एक पुलिस लेवल पे जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पे चार्जशीट बनती है और जहां के मटेरियल uh, पर जिस मटेरियल पर कोर्ट रिलाई करती है वही हो जाए वो बहुत बड़ी बात है तो इंडियन कोर्ट्स हैव ऑलवेज बिन दे विल अभी भी इफ यू लुक एट मैटर्स दैट आर ऑफ क्रिमिनल नेचर दे टेंड टू गिव प्रोटेक्शन बट वही है कि यू नीड एविडेंस यू नीड बहुत सारी चीज़ें जो पुलिस के लेवल पर होती हैं तो वो मुझे लगता है कि एक इम्पेडमेंट uh, है एंड दैट विल ओनली चेंज विद रेगुलर डायलॉग एंड एक एफर्ट और कॉन्वर्जेशन या मेरा नाम अनिमेश है मेरा सवाल जो है वो आप तीनों से ही है कि राघवी जी ने अभी एक्सेप्टेंस की बात कही सो so, आपको नहीं लगता कि एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है अगर हम लोगों से मांगे तो ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है और आने वाली जनरेशन इसे इसे ज़्यादा बेहतर समझेगी क्योंकि पिछले जनरेशन को समझाना एक दीवार में सिर्फ मारने जैसा है और, और अगर देखा जाए तो अगर आँख के बदले आँख पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी लेकिन लास्ट में एक इंसान बचेगा जिसकी आँख रहेगी सो डोंट यू थिंक इट्स अ जनरेशन प्रॉब्लम आगे आने वाली जनरेशन इसे बेहतर समझेगी सी द थिंग इज़ कि अगर पिछली जनरेशन को मैं छोड़ दूंगी और आगे वाली जनरेशन का वेट करूंगी तो मैं खुद पिछली जनरेशन तक पहुंच जाऊंगी दैट इज़ माई प्रॉब्लम कि मैं सिक्सटी तक होने का नहीं वेट करना चाहती हूँ कि मैं अपने राइट्स के बारे में बात करूँ एंड आई डोंट वॉन्ट माई राइट्स टू बी हाईजैक बाई दिस थिंग ऑफ जनरेशन

दिस होल आइडिया दिस होल कॉन्प्ट इज टू स्टॉल एवरी थिंग एंड टू स्टॉप एवरी थिंग बाई से भाई जनरे वो तो समझेगी नहीं तो आप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो स्टेटस को मेन्टेन करो वो चीज़ मुझे गलत लगती है क्योंकि अगर आप कोशिश करो तो बहुत सारे लोग समझते हैं yeah. और अब अगर आप देखो सर्वेज या रिसर्च जितनी भी हुई हैं फ्राम वट पीपल यूज टू थिंक टू थाउजेंड नाइन में अबाउट डीज इशूज As compared to what they are thinking now, a lot of change has happened and abhi hamare beech mein हमारे बीच में बहुत सारे जो लोग हैं जो rahe hain कर रहे हैं they have parents who have accepted them. तो मुझे लगता है कि ये अगर आप करेंगे तो फिर आप बिल्कुल ही रुक के रह जाएंगे क्योंकि फिर बिकॉज इट्स ऑलवेज अ चैनल ठीक है एंड वेयर डू यू डिसाइड कि अब वो पुरानी जनरेशन हो, हो चुका है अब नई जनरेशन आ गई अब स्टार्ट करते हैं इट्स ऑलवेज एन ऑन गोइंग प्रोसेस नाइनटीन नाइनटी वन ऑल्सो एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन did it, did उर्मिला एंड हर पार्टनर नाइनटी वन तो वो एक प्रोसेस है अब डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर और कितना कर पाते हो और कितने लोगों को अफेक्ट कर पाते हो अब हम सोशल मीडिया के uh, एरा में हैं अब हम और ज्यादा लोगों को एडुकेट कर पा रहे हैं और सोचने के लिए कह पा रहे हैं तो यार yeah. आई थिंक एक्सेप्टेंस जो है अगर हम ही उसके बारे में अवेयरनेस uh, करना कम कर दें या ये सोचे कि दीवार में सर मारने जैसा है तो हमारा जो ओवरऑल फ्रीडम या ओवरऑल एजेंडा है ऑफ हैविंग एक कम्युनिटी या एक समाज वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए ये कांस्टेंट बैटल है और इसको शायद ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसको बार बार बताना पड़ रहा है या इसको टाइम लगेगा हमको भी खुद के लिए टाइम लगा तो सामने वाले को भी उतना टाइम दे दीजिए शायद बार बार चीजें रिपीट करने से कभी तो समझ में आएगा कुछ तो समझ में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है इसको इसको अपने लाइफ का पर्पज बना लो कि सामने वाले को तो समझा के ही छोड़ना है कुछ भी हो जाए तो एक्सेप्टेंस तब आएगा पर सबका एफर्ट है यह जब ब्रिटिश सरकार यहाँ थी और जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई लड़ रहे थे क्या उनको कभी पता था कि ये फ्रीडम हमको मिलेगा नहीं पता था बट वो उन्होंने कॉन्स्टेंटली वो लड़ाई लड़ी एंड हमको वो फ्रीडम मिला तो उनके पास भी टाइम नहीं था थैंक यू सो मच एवरी वन दोस्तों आज का फैशन वास्तव में बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग था मजा आया बहुत ज्यादा आई एम sure श्योर कि आप ऑडियंस को मजा आया होगा ऑडियंस uh, को बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे एंड हमारे पैनलिस्ट uh, विजय सिंह शेखावट राघवी शुक्ला एंड प्रतिभा सिंह थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और इनसाइट्स के लिए बहुत ही मज़ेदार मजेदारतरंगी सभा थी ये Thank you so much. Thank you, Pranay and Josh Talk team, for having us.